बजट से ठीक पहले शेयर बाजार में आज तेजी का माहौल बनता हुआ दिखा। निफ्टी 0.25% की तेजी के साथ 12,130 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 232 पॉइंट चढ़कर 41,199 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में भी 116 अंकों की तेजी रही। मेटल और एफएमसीजी शेयरों में बाइंग देखने को मिली। बाजार का पूरा एक्शन बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी रिसर्च एनालिस्ट देवांशी अशर। देवांशी बताइए, आज बाजार में बहुत अच्छी रौनक हमने देखी है शुरुआती दौर से ही, डिटेल में जरा समझाइए कि मार्केट ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक किस तरह का एक्शन मार्केट में रहा है। मृत्युंजय जी, बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि कोरोना वायरस से अब आगे बढ़कर बाजार फिर से एक बार नतीजों पर ज्यादा फोकस कर रहा है और बजट से पहले यहाँ पे खरीदारी आती हुई दिख रही है। आप देखिए, निफ्टी पर पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा 1% से ज्यादा की तेजी आती हुई दिख रही है और साथ ही गेनर्स की सूची में टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, इंफ्राटेल, नेस्ले, ये सारे के सारे स्टॉक्स शामिल होते हुए दिखे। यहाँ पे नतीजों का जो असर है वो फिर से एक बार निफ्टी पर आता हुआ दिखा था। लूजर्स की सूची में यस बैंक, डॉक्टर रेड्डी, टीसीएस, आयशर मोटर जैसे कुछ चुनिंदा स्टॉक तेजी शामिल होते हुए दिखे और लूजर्स काफी ज्यादा कम आज निफ्टी पर देखने मिले हैं। एफएमसीजी सबसे ज्यादा ये सेक्टर में आज खरीदारी आती हुई दिखी है और उसमें भी आप देखिए मेरिको, नेस्ले, आईटीसी, टाटा ग्लोबल जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे नतीजों के चलते भी असर आती हुई दिखी है। स्पेशली आप देखिए मेरिको में नतीजों से पहले अच्छी खरीदारी आई है। मेटल्स में फिर एक बार चमक आती हुई दिखी आज के ट्रेडिंग सेशन में। मिड कैप मेटल स्टॉक्स जैसे कि हिंदको, परसेल, मॉइल जैसे कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पे आज अच्छी खरीदारी दिखी और साथ ही ऑटो सेक्टर में भी थोड़ी सी जो खरीदारी है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में आती हुई दिखी। शॉर्ट कवरिंग के चलते टीवीएस, बजाज ऑटो, भारत फौज, मदरसन सुमी जैसे कुछ स्टॉक्स में खरीदारी दिखी है। अमरा राजा बैटरीज, एक्साइड में खरीदारी आती हुई दिखी और साथ ही नतीजों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आज मार्केट पर बनता हुआ दिखा। काफ़ी शेयर्स थे जहाँ पे हलचल इसी वजह से दिखी क्योंकि नतीजे आते हुए दिखे। एस्कॉर्ट्स, बजाज फाइनेंस में शानदार तेजी आती हुई दिखी थी। कमिंस इंडिया में 10% तक के गेंस थे। एनआईटी टेक खराब नतीजे थे। एमएनएम फाइनेंस में तेजी थी। रामको सीमेंट्स खराब नतीजे और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी खराब नतीजों का असर आज मार्केट में आते हुए दिखा और हेल्थ केयर शेयर्स में नारायणा और शेल्बी में भी अच्छी खरीदारी दिखी। बहुत शुक्रिया देवांशी आपका बाजार का ये पूरा एक्शन बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, सरकारी बैंकों के मर्जर के बाद बैंकिंग प्लेटफॉर्म से इंश्योरेंस लेने वाले ग्राहकों के बेनिफिट पर कोई असर नहीं होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने इंश्योरेंस कंपनियों और बैंकों के मौजूदा ग्राहकों के लिए सभी बेनिफिट जारी रखने के निर्देश दिए हैं और बैंक 3 इंश्योरेंस कंपनियों से ज्यादा के साथ भी करार जारी रख सकते हैं। इस पर और डिटेल के साथ हमारे संवाददाता अनुराग शाह आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपको बताने के लिए कि इसमें और क्या बारीकियां हैं। अनुराग, इनफैक्ट ये खबर हमने पहले भी बताई थी और उस खबर पर अब मुहर भी लगी है, और क्या डिटेल जानकारी है आपके पास? देखिए, लाखों पॉलिसी होल्डर जिन्होंने बैंकों के जरिए इंश्योरेंस लिया है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, उनके लिए राहत की खबर है क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक का जो मर्जर हुआ था तो उसके बाद विजया बैंक और देना बैंक के जरिए जिन्होंने बैंक इंश्योरेंस लिया था उनको ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ा था और इसी को देखते हुए जो अलग दूसरे बैंकों के पॉलिसी होल्डर थे वो दुविधा में थे। तो IRDA ने साफ साफ कर दिया है कि जो मौजूदा पॉलिसी होल्डर है और जो मर्जर के बाद भी जो उनके बेनिफिट है वो पूरी तरह से बने रहेंगे। अगले एक साल तक, जब जिस दिन मर्जर होता है उसके एक साल तक जो कस्टमर है उसको सारे बेनिफिट दिए जाएंगे। उसके आगे भी अगर कस्टमर चाहता है उसी बैंक से जुड़ा रहना तो भी बैंक को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा अभी जो नियम है कि एक सेगमेंट की 3 इंश्योरेंस कंपनी से ज़्यादा बैंक किसी के साथ टाइप नहीं कर सकता तो वहाँ पे भी छूट दी गई है। बैंक को जो छूट दी गई है कि जो मौजूदा मर्जर के बाद जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं उनके साथ अपना करार जारी रख सकता है, उसके रिन्यूअल के बाद भी वो करार जारी रख सकता है। तो काफ़ी अच्छी खबर है पॉलिसी होल्डर्स के लिए जिन्होंने बैंक के जरिए इंश्योरेंस लिया है, उनको तमाम तरह के बेनिफिट, रिन्यूअल बेनिफिट मिलते रहेंगे और कोई उन्हें अतिरिक्त जो ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे थे प्रीमियम के वो देने नहीं पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी खबर के लिए।